जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज सामने खड़ी हुई है टाटा टियागो ईवी। दोस्तों अगर वेरिएंट की बात करें तो ये है XTLR, मतलब XT वेरिएंट लॉन्ग रेंज के साथ में। क्या कुछ मिलेगा इस गाड़ी के अंदर, क्या कुछ आपको फीचर देखने के लिए मिलेंगे, एक चीज और बता दूं भाई, 2024 में अपडेटेड वेरिएंट है, कुछ फीचर एड ऑन हो गए। क्या क्या एड ऑन हुए सब कुछ दिखा देंगे दोस्तों आज इसी वीडियो के अंदर। तो देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों सामने आ गई है टाटा टियागो ईवी XT वेरिएंट लॉन्ग रेंज के साथ में। सबसे पहले एक्सोरूम कीमत बता देता हूं भाई, 9,99,000 रुपए की एक्सोरूम कीमत है इसकी। उसके बाद इसके अंदर बैटरी पैक की बात कर लेते हैं, 24 किलोवाट आर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। मोटर की बात करूं तो 55 किलोवाट आर की मोटर मिल जाती है। उसके बाद देखो इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आपको देखने के लिए मिलेगी। और पावर कितनी जनरेट करती है भाई, 73.75 BHP की पावर और 114 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और रेंज की बात करूं तो भाई देखो कंपनी 315 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, लेकिन टेस्टेड रेंज भाई 214 किलोमीटर की है रियल लाइफ रेंज। अब देखते हैं देखो फ्रंट से क्या कुछ मिलता है। देखो लुक्स तो आपको दिख रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प मिल जाते हैं, इंडिकेटर भी इसी यूनिट में मिल जाता है। सामने की ग्रिल वगैरह देख लो, ऊपर वाली ग्रिल तो आपको देखो ऑलमोस्ट बंद ही मिलती है, लेकिन बदलाव देख रहे हो, एक चीज का बदलाव आपको सामने भी दिख रहा होगा, अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो रेडिएटर ग्रिल वगैरह देख लो, व्हाइट कलर की गाड़ी है। ये जो टाटा का लोगो लग रहा है ना, ये बदला हुआ लोगो आ गया है दोस्तों इसके ऊपर। अब आप देखिए, पहले जो है ना क्रोम के अंदर आता था, यहाँ डॉट ईवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो ये है दोस्तों कुछ इसका फ्रंट लुक, काफी कुछ अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद देखो टायर साइज की बात करूं तो इसके अंदर जो है ना आपको 175/65 R14 की प्रोफाइल मिल जाती है, और MRF का ZVTV टायर आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है और स्टील रिम आपको मिलती है। यहां पर भी फ्रंट फेंडर पर डॉट ईवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ORVM की बात करूं तो पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। इसी के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, ऊपर की तरफ एंटीना कुछ इस तरीके का मिल जाता है। और यहां पर डोर हैंडल्स देख लीजिए, देखो भाई रिमोट की तो मिलती है सेंटर लॉकिंग, लेकिन डोर रुक के सेंसिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद देखो ये रियर प्रोफाइल आप इस तरीके से देख सकते हैं, टेल लाइट देख लो भाई, इस तरीके की टेल लाइट, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मेन जो बदलाव था देखो, एक तो टाटा का लोगो बदल गया, यहां पर देखो एक ना डिफॉगर मिलेगा ना रियर वाइपर मिलेगा, हाई माउंट स्टॉप लैंप जरूर मिल जाती है, और ये फिंस जैसे जो है ये मिल जाते हैं। उसके बाद देखो टाटा का लोगो यहां भी बदल गया, और देखो एक अपडेट यहां मिल गया, कैमरा मिल जाएगा भाई। देखो ये XT वेरिएंट में पहले कैमरा नहीं आता था, लेकिन अब आपको कैमरा मिल जाएगा और टियागो टीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहां पर एक सेंसर और एक सेंसर आपको यहां पर मिल जाता है, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे पीछे वाले बम्पर में। लुक भाई बहुत अल्टीमेट लग रहा है, सही बता रहा हूं, अल्टीमेट लग रहा है। देखो बूट यहीं पर खोल लेते हैं, और अगर बूट कैपेसिटी की बात करूं तो भाई इसके अंदर आपको 240 लीटर की बूट कैपेसिटी मिल जाती है, काफी सही है दोस्तों। उसके बाद देखो यहां पर ये चार्जर आपको घर पे चार्ज करना है इससे। और देखो अगर इसके चार्जिंग टाइम की बात करूं तो यहीं पर कर लेता हूं, एक यहां पर आपको ये जो है चार्जर दिख जाएगा, ये आपको घर पे लगाने के लिए 3.3 किलोवाट का AC चार्जर है। इससे भाई गाड़ी जो है 8 घंटे 7 मिनट में चार्ज होगी 10 से 100%, और इसे 15 एम्पियर के प्लग में लगा सकते हैं। यहाँ पर देख लो भाई 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है, नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, यहाँ पर एक हुकी मिल जाता है, और पार्सल ट्रे भाई नहीं मिलेगी इस वेरियंट में। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप, टेल गेट को प्रॉपर फिनिश दे रखी है अच्छे से, और इसे करेंगे अब बंद और फिर चलेंगे दोस्तों बाहर की तरफ। एक चार्जिंग की बात और कर लेता हूँ भाई, एक 7.2 किलोवाट के चार्जर से अगर चार्ज करोगे तो 3 घंटे 6 मिनट के अंदर 10 से 100% हो जाएगी। और जो है 25 किलोवाट के फास्ट DC चार्जर से चार्ज करोगे तो 58 मिनट के अंदर 10 से 80% गाड़ी चार्ज हो जाएगी। यहां पर देख लो चार्जिंग पोर्ट, ये है दोस्तों कुछ इस तरीके से, ये देखो ऊपर AC और नीचे DC फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। इस तरीके से जो है आपको चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिलेंगे, इसे हम कर देते हैं अब बंद। चार्जिंग स्पीड टाइम मैंने आपको बता दिया कितना कितना लगने वाला है, घर का बता दिया, बाहर का बता दिया, फास्ट चार्जिंग की बता दी, सब कुछ बता दिया। अब देखो ज्यादा देर नहीं करेंगे और अंदर की तरफ देखेंगे कि कुछ बदलाव अंदर की तरफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलते हैं, देखो दोस्तों अंदर की तरफ, और पीछे वाला डोर ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो पीछे के डोर ट्रिम से ही शुरू करेंगे, तो डोर हैंडल्स तो दिख ही रहे होंगे। उसके बाद देखो यहां पर कुछ इस तरीके से पावर विंडो का ऑप्शन, बोतल होल्डर मिल जाता है, एक स्पीकर आपको यहां पर मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो है 4 स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। पीछे के ये देख लो ट्रिम्स वगैरह, यहां पर नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं सीटिंग में, फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है, 3
3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का पीछे का सेटअप। इसे कर देते हैं हम बंद और आ जाते हैं दोस्तों आगे की तरफ। मेन चीज है जो आगे की तरफ मिलेगी। तो इस इधर डोर ट्रिम्स देख लो पहले, तो यहां पर आप देख सकते हो डोर हैंडल्स वगैरह जैसे पीछे मिल रहे हैं वैसे ही आपको आगे की तरफ भी मिल रहे हैं। बॉटल होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है, पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है और ब्लैक और ऑफ व्हाइट कलर का आपको जो है टच आपको देखने के लिए मिलेगा इस सब के अंदर। उसके बाद देखो एक स्पीकर यहां पर मिल जाता है। यह है कुछ इस तरीके का सेटअप। और यहां पर देखो यह है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड वगैरह। एक काम करते हैं यहां एक हुक और देख लो भाई, उसके बाद देखो यहां पर ये सारे फीचर्स तो मिलते हैं। मैं घूम के जो है ना ड्राइवर साइड में आता हूं फिर दिखाता हूं आपको पूरा। एक मिनट रुकिए, अब बस एक मिनट बस दोस्तों। यहां से फिर ओपन किया हमने ड्राइवर साइड वाला डोर ट्रिम्स। अब यहां पर देखो सबसे पहले तो ये देखो भाई, यहां पर डोर ट्रिम्स कुछ ऐसी मिलेंगी। यहां पर ऑफ व्हाइट कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिल रहा है और ये सब कुछ जो है ना प्लास्टिक के अंदर मिल रहा है। इसमें कोई भी बदलाव नहीं है, पूरा प्लास्टिक के अंदर ही मिलेगा आपको। अब चलते हैं देखो अंदर की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, फोल्डेबल नहीं मिलते हैं। उसके बाद देखो भाई यहाँ पर देखो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। साथ में सीटिंग के ऊपर जो पैटर्न वगैरह दिख रहा है ना, ये देखो ये ईवी का पैटर्न है पूरा दोस्तों। और कलर भी वही ब्लू कलर दिया गया है। यहाँ पर देखो फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। यहाँ से आपको जो है बूट भी ओपन कर लोगे और चार्जिंग पोर्ट भी ओपन हो जाएगा। दोनों पैडल के साथ में डेड पैडल मिल रहा है, थोड़ा छोटे साइज का मिल रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर सीटिंग फैब्रिक वगैरह ऐसा हो जाता है। हाइट एडजस्टेबल आपको नहीं मिलता है। ये दोबारा से देख लो, पहले रोशनी थोड़ी कम थी, अब देख लो दोस्तों ठीक है इस तरीके से मिल जाता है। एक स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है, यहाँ से बोनट ओपन करना है। ये इस इवेंट का डिजाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ओह माय गॉड, यहां पर देखो बदल गया भाई, टाटा का लोगो नया वाला आ गया, ये देखिए। उसके बाद देखो यहां पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में बात करें टिल्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहां पर आपको दो एसी वेंट मिल जाते हैं, 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम हार्मन पावर मिलता है जो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है। यहां रीजनरेशन मोड के लिए मिल जाता है और यहां पर चार्जिंग गन के लिए मिल जाता है। यहां पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा आपको, ये अच्छी बात है भाई, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अब मिलने लग गया है। यहां एक टाइप ए पोर्ट मिलने लग गया है अब से और ये डायल कुछ इस तरीके से, और एक 12 वोल्ट का पोर्ट तो मिलेगा। ये देखो ये ग्रिप चढ़ी हुई आ गई है, पहले ये ग्रिप नहीं आती थी दोस्तों इस डायल के चारों तरफ। पार्किंग ब्रेक मैनुअली ऑपरेटेड मिलेगा और यहां पर बॉटल होल्डर मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ग्लोब बॉक्स देख लो इस तरीके का बड़ा सा ग्लोब बॉक्स और कंपार्टमेंट के साथ में मिल जाता है। ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो 2 एयरबैग मिलते हैं। ऊपर देखो तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है देखने के लिए इस तरीके से आपको व्हाइट कलर की। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो ये देखो सनशेड आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा पैसेंजर साइड में ठीक है। और उसके बाद देखो मैनुअल डिमिंग IRBM मिल जाता है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा सनसेट ड्राइवर साइड में मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका पूरा इंटीरियर, काफ़ी ठीक लग रहा है दोस्तों मुझे तो। इसे करते हैं बंद, अब क्या रह गया। अब देखो सेफ्टी की बात करूँ तो ABS EBD वगैरह तो देखो सब मिल जाते हैं, साथ में 2 एयरबैग आपको इसके अंदर वेरियंट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। पूरा सेटअप मैंने आपको दिखा दिया, अब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और वीडियो को करते हैं ख़त्म। तो दोस्तों बाहर आ गए हैं हम और अब बात करेंगे क्या रह गया दोस्तों। अब जो रह गया है वो है दोस्तों इसकी वारंटी और गारंटी। देखो भाई गाड़ी की अगर वारंटी की बात करें तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी सभी पेट्रोल डीजल कारों पे आती है वही आपको मिलने वाली है। लेकिन अगर बैटरी पैक और मोटर की बात करें तो वहाँ पर वारंटी जो है बढ़ जाती है। तो 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी बैटरी पैक और मोटर के ऊपर मिलेगी दोस्तों। और देखो बाकी सब कुछ हो चुका है इस गाड़ी का, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।